शोक विनाश कारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। प्रथमे गुरु जी को वंदन और द्वितीय आदि गणेश तृतीय श्रीरोम शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश। नमो नमो माता पिता के जिन से भया शरीर नमो नमो गुरुदेव की जनदिया भजन मेसी। लाल देह लाली लस हरिधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीश। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार लज्जा सबकी राखियो नंदी के अश्वार। चंद्र तपे सूरज तपे उद्गण तपे आकाश इन सबसे बढ़कर तपे सतियों का सुप्रकाश। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो स्तुति। जय 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 श्री श्याम की विनय करूं कर जोड़ और भूल क्षमा कर दीजियो देख भगत किया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये लख दातार की देखिए एक बात और बोलूंगा, जब भी जयकार बोली जाए कहीं भी जितनी कृपा हो उतनी जयकार बोला कीजिए। कम है तो कम और खूब है तो खूब, है ना। आपकी जयकार बता देगी कि आपके पास क्या है। और एक बात बताऊं आपको, ये जो जय आप बोलते हो ये रखता नहीं है, ये उसको रखता नहीं है। जैसे रिटर्न गिफ्ट का जमाना है ना, वैसे ये भी जब हम कोई बाजी हारते रहते हैं तो हमारी बोली हुई जय को ये विजय में बदल कर हारी हुई बारी को जिता देते हैं। ये सच्चाई है। तो आइए कृपा के अनुसार इस पर जितनी कृपा है वैसी जयकार। हारे के सहारे की बालाजी महाराज की एक बाबा का प्रेम बराबर खाटू जाता था, कृपा बरसती थी। कोई नया प्रेमी खाटू जाने को तैयार हुआ, उसने पुराने से पूछा भाई वहां जाकर बाबा से मांगते क्या हो। तो पुराने प्रेमी ने जो जवाब दिया सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा यही मांगने के लिए बाबा से। जिस
जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जिसका भरोसा श्याम पर, जिसका भरोसा श्याम पर वो डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा श्याम पर वो डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। प्रेमी ने कहा था, मेरे बाबा से जाकर कहा कि मुझे किसी बड़े आदमी की तरफ नहीं देखना पड़े, कभी किसी बड़े आदमी की आस नहीं करूं, दुख में हूं सुख में हूं, अगर आस रहे तो सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों की आस रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, और वरदान में बंगला मोटर गाड़ी इज्जत छोड़ा नहीं मांगा, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, जब प्रेमियों दो अक्षर के एक शब्द से अनंत मिल सकता है तो लिस्ट बनाकर क्यों जाए, अलग अलग क्यों मांगे। अरे प्रेमियों, दया मिल जाती है कृपा मिलना ही मुश्किल होता है, दया मिल जाती है कृपा मिलना मुश्किल होता है, और जिस पर कृपा होती है उसके आगे दुनिया के हर इंसान सर झुकाते हैं। कौन कौन ये कृपा चाहता है, कौन कौन जोरदार तालियां बजाकर बोलो। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, श्याम।
किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्ची सरकार तुम्हारी साचा दरबार, सच्ची सरकार तुम्हारी साचा दरबार। किस्मत वालों को श्याम।
जिसने पूछा था क्या मांगू, उसको जवाब देते हुए कहा कि जिस दिन मैंने पहली बार ये कहा कि तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, उसी दिन ठाकुर ने क्या किया, आई जब शो फिराई मोर छड़ी, जब शो फिराई मोर छड़ी, अरे विपदा घर से दूर छड़ी, विपदा घर से दूर छड़ी, मोर छड़ी आपके यहां पर मोर छड़ी रही है, यदि है तो मालूम है, और अगर नहीं है तो बाबा की मोर छड़ी ले आओ, अपने मंदिर में रख दो, फिर देखना वो मोर छड़ी घूमेगी, सारे संकट अपने आप काट देगी। विपदा घर की दूर खड़ी, बोलो 1989 में पहली बार मुझे बाबा ने खाटू बुलाया। मेरे परिवार में कोई नहीं जानता था श्याम बाबा को, मेरी सात पीढ़ियों में कोई खाटू नहीं गया था, नहीं जानता था। पहली बार बाबा ने बुलाया, निशान लेकर गया कला भवन के साथ, उस समय बाबा के शिखर पर अपने हाथों से निशान चढ़ाने का मौका मिला, लेकिन निशान के साथ एक इतनी बड़ी मोर छड़ी लेकर चला था, वो मोर छड़ी लेकर आ गया, ऊपर कीर्तन हो रहा था चबूतरे में, कीर्तन सुना और वो मोर छड़ी को लेकर कलकत्ते आया। मेरी माँ ने कहा बेटा क्या लाया, मैंने कहा मां दरबार में मोर छड़ी की महिमा सुनी, निशान के साथ ये मोर छड़ी भी ये लेकर आया हूं, वहां पर लोग कहते हैं कि जब मोर छड़ी घूमती है तो सब कुछ बारे नारे कर देती है, इसको अलमारी में रख दे, छोटी सी अलमारी थी, औकात नहीं थी, मां को कहा मां इसको अलमारी में रख दे, मां ने अलमारी में रखा और आज भी वो मोर छड़ी घूम रही है अपने में। अंदर नहीं आते क्योंकि अंदर शाम की मोर छड़ी घूमती है। अरे विपदा घर से दूर खड़ी, गाड़ी मारी हाकड़ियों बन गयो मैं तो चाकरियो, गाड़ी मारी हाकड़ियो बन गयो मैं तो चाकरियो, अरे मालिक मारो सांवरियो बन गयो मैं तो चाकरियो। ये तो दरबार में हो सकता है दो चार फैक्ट्रियों के मालिक बैठे होंगे, दो चार पांच लंबी गाड़ियों के मालिक बैठे होंगे, मर्सिडीज ऑडी दरवाजे पर खड़ी होगी, हो सकता है वो सोचे कि मेरे यहां पर 500 लोग लेबर काम करते हैं, नौकर काम करते हैं, लेकिन प्रेमियों कितना ही बड़ा साम्राज्य आपके पास में हो, अगर इस दरबार के सेवक नहीं है तो सब बेकार है, प्रेमियों सब बेकार है, जिसने श्याम दरबार की चाकरी नहीं की वो कहीं का मालिक नहीं है। प्रेमियों उठा लो हाथों को, जिसको जिसको ये सेवा चाहिए पूरे पूरे हाथ उठाना और मिलकर चोट वाला बंद बोलो, अरे मालिक मारो yeah।
हर जीत गयो है हारनियो पड़ गयो मैं तो जागनियो जीत गयो है हारनियो पड़ गयो मैं तो जागनियो जागनियो मैं जागनियो ये माला जो बाबा को आज श्रृंगार में चढ़ाई गई है
मेरे हिसाब से कलकत्ते से ये श्रृंगार आया होगा। ये मालाएं कल उतर जाएंगी, कीर्तन के बाद ये माला उतर जाएंगी और जल में प्रवाहित कर दी जाएंगी या फिर किसी पेड़ के नीचे रख दी जाएंगी। इतनी एक माला अगर आपने चढ़ा दी तो वो बाबा कभी भी गले से नहीं उतारते। कोशिश कीजिएगा उस माला को, कोशिश कीजिएगा उस माला को पहनाने का। कश्मीर से खाटू की जब यात्रा गई पिछले साल, पंजाब बॉर्डर में जब यात्रा एंट्री की तो एक कीर्तन के अंदर में ये भजन मैंने गाया और अचानक बातें करती ये माला कौन सी होगी, आप कौन सी माला पहनाओगे, फूल कहां से पैदा करोगे, फूल तो खराब हो जाते, फूल तो 24 घंटे में मुरझा जाएंगे, कौन सी माला? सांसों की माला। सुनिए, सांस निकाल के थोड़ी चढ़ा देते ऐसे लेकिन सांस कैसे? तो माताओं बहनों आप एक बिल्कुल नई कॉपी लीजिए, करके देखिए, रिजल्ट मिलेगा तो करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। खर्चा कितना बताऊं आपको, कॉपी का कितना खर्चा है, 10 रुपए की कॉपी आएगी, 15 की आएगी, इतना तो कर ही सकते हो। अरे बोलो ना, कर सकते हो? 10-15 रुपए खर्चा कर देना, लाल पेन खरीद लेना और कॉपी के पहला पन्ना में 1 नंबर, उसके पीछे वाले पन्ने में कुछ नहीं लिखना, उसके बाद दूसरे पन्ने में 2 नंबर, ऐसे करके 108 पन्ने नंबरिंग दे दो। अब आपके पास दिन में जितना टाइम हो, एक पन्ना भरने का टाइम हो तो 1 पन्ना और 10 पन्ने भरने का टाइम हो तो 10 पन्ना। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम आंटी, आप भी कर लेना। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम लाल पेन से वो 108 पन्ने जिस दिन भर जाए। लेकिन रोज जब भी करना, शुद्धता से नहा धोकर और फ्रेश कपड़े पहनकर, जिस दिन 108 पन्ने हो जाए, एक एक पन्ना फाड़ना और उनको जय श्री श्याम बोलकर मोड़ना, छोटे छोटे बना लेना और एक नई सुई और फ्रेश धागा उसको पिरो कर और उसमें एक एक पन्ना जो है ना वो जय श्री श्याम बोलकर उसको डालना, 108 पन्नों की माला जब बन जाए ना, उसको अपने घर में जो श्याम है, कन्हैया है, लड्डू है, उसके जले में पहना देना हारे के सारे की जय बोलकर। रिजल्ट देख लेना, रिजल्ट। अब आप बोलोगे हम कैसे करेंगे भाई, आप क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते आप? आज जिस गाड़ी में मैं दिल्ली में एयरपोर्ट तक गया, लड़की चला रही थी गाड़ी। जब लड़की गाड़ी चला सकती है तो आप सुधारा नहीं पिरो सकते, आप भी पिरो सकते हो, है ना? ऑफिस में बैठे हो, काम करते करते एक पन्ना दिन में भरो, 2 पन्ना भरो। गारंटी के साथ कहता हूं, ये जो सांस है ना, ये जो एक पन्ना पन्ना भरने में जितना समय लगेगा, उतनी सांसें उस माला में पिरो दी जाएंगी और वो मेरा हमारा बाबा स्वीकार करेगा। कर देते आइए, बोलिए सांसे देने वाले की। आइए, उस पंजाब में बॉर्डर में जब मैंने ये भजन गाने बोली, रात को 2 बजे कीर्तन खत्म हुआ और सुबह 8 बजे बाबा का रथ निकलना था। आपको विश्वास है, सुबह जब हम सोकर उठे तो बाबा के रथ के बाहर 9 माला लेकर 9 महिलाएं खड़ी थी, 9 मेरी बहनें, 9 माताएं। उन्होंने एक रात के अंदर में, 6 घंटे के अंदर में एक एक माला बना दी थी और उसके बाद से पूरी यात्रा के अंदर में रोज कभी 5 माला, कभी 10 माला, कभी 7 माला, जब तक यात्रा चली। खाटू के अंदर में भी अभी 2 महीने पहले खाटू का कीर्तन में, कला भवन में जो कीर्तन होता है, किसी बहन ने लेकर आई कि ये मैंने अपने सांसों से बनाई है, ये बाबा को चढ़ जाए। हमने कहा बहन तुम्हारा भाव है, तुम्हारे बाबा के प्रति विश्वास है और कोई माला चढ़े ना चढ़े ये माला जरूर चढ़ेगी बाबा।
तो भी अलर्ट होकर बैठ जाते हैं, और हमारी औकात से छोटा आता है ना तो अर्दली को ही बोल देते हैं कि सरका दे बाहर, बाहर से सरका दे, अंदर नहीं है बोल देना भाई साहब अंदर नहीं। लेकिन ये नहीं करता ऐसा, ये ऐसा नहीं करता, ये नहीं देखता कि कोई मर्सिडीज में आया है या पैदल आया है, ये नहीं देखता कि कोई कोट पैंट पहन कर आया है कि किसी के स्तन पर कपड़ा ही नहीं है, गंजी है वो भी फटी हुई है, ये नहीं देखता है प्रेमियों। बस ये तो यही देखता है कि कौन मेरे लिए क्या भाव लेकर आया है, बस यही देखता है। आइए ये भजन मैं समझता हूँ सारे प्रेमियों का सुना हुआ होगा, इसलिए सबको मिलकर गाने लगा। आई
लोग का भी प्यारे थोड़ा इंतजाम कर, हर लोग का भी प्यारे थोड़ा इंतजाम कर, हो जाएगा भंपा, हो जाएगा भंपा, बाबा को चढ़ा दे आपका ठाकुर बोलेगा, बोलता था, बोलता है और बोलता है।